हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़तीकुर रहमान और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में शामिल आज की हमारी सेकंड पोएम नाइट मेल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट पोएम स्टार्ट किट को डिस्कस किया था, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की थी और उसके साथ हमारा ग्रामर पोर्शन जो लास्ट टाइम भी चल रहा था। आज के इस लेसन के अंदर भी कॉन्टेंट्स में एक हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं और नंबर सेकेंड हम पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। और पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे शामिल हैं आज के इस लेक्चर में फ्रॉम 71 to 75 हमारे सिलेबस में शामिल। और लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नाइट मील बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। नाइट मील, जैसा कि नाम से भी जाहिर है, नाइट मील ट्रेन का नाम यहाँ पर राइटर ने जरा मेंशन किया और उसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं अभी। राइटर ने यहाँ पे हमारे लेसन के कॉन्टेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे तो हम देखेंगे उसमें नाइट मील का जिक्र ही नहीं, ट्रेन क्या जाना, उसका मूव करना, उसका जिक्र आएगा। फिर जिक्र आएगा कि वो किस तरह से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें एक जगह से लेके जाती है और दूसरी जगह, यानी कि लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और इसके साथ साथ सामान जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसके बाद उसकी स्टेडी क्लाइम का जिक्र आएगा कि वो ऊंची नीची जगहों से गुजरती जाती है, पथरीले इलाकों से जाती है, रेतले इलाकों से गुजरती है, मैदानी इलाकों से गुजरती है, लेकिन उसकी स्पीड के अंदर फ़र्क नहीं आता, उसके चलने में फ़र्क नहीं आता। फिर राइटर डिस्कस करते हैं कि वो साइलेंट माइल्स करती है, यानी कि सैकड़ों मील फासला जो है वो कवर करती है बगैर डिस्टर्ब हुए। आंधियों का आना, बारिशों का आना, मौसमों का चेंज होना, गर्मी ज़्यादा होना, सर्दी ज़्यादा होना, कोई भी चीज़ उसकी जो वाक है, उसकी जो मूवमेंट है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। फिर राइटर डिस्कस करेगा कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, यानी जब वो मूव कर रही होती है अपने ट्रैक के ऊपर तो सिर्फ अपने ट्रैक पर चलती है और उसकी मूवमेंट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, किसी को भी वो कोई डिस्टर्ब नहीं करती, यानी जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करता रहता है और ये खामोशी से अपना सफ़र जो है वो जारी रखती है और किसी के लिए भी कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करती। अब ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो हम टेक्स्ट के अंदर भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी। अब हम बात करते हैं इसके मेन थीम की तरफ। राइटर ने ये जो चीज़ें बयान की हैं, नाइट मेल का चलना, अपने ट्रैक पर रहना, उसके बाद अच्छे बुरे मौसमों के अंदर भी अपनी मूवमेंट को कायम रखना, जारी रखना, उसके बाद किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर अपना सफ़र मुकम्मल करना, यहाँ से कुछ थीम्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 है पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। ट्रेन अपने मतलूबा टाइम पे अपने सफ़र का आगाज़ करती है और जो टाइम डिपार्चर अराइवल का होता है, अपने मतलूबा टाइम पे अराइव करती है अपने स्टेशन पर। पंक्चुअलिटी पहला लेसन जो राइटर ने मैं यहाँ पे देने की कोशिश की कि जिस तरह से ट्रेन अपने मतलूबा टाइम पे सफ़र शुरू करती है और बिल्कुल अपने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर अपने स्टेशन पर पहुँच जाती है, इसी तरह ज़िंदगी के अंदर हमें भी जो भी काम सर अंजाम देने हैं उनका एग्जैक्ट टाइम जो वो उसको ख्याल रखना है हमें, यानी पंक्चुअलिटी का जो हमेशा ख्याल रखा जाए, काम का आगाज़ भी टाइम पर हो और काम का उसी तरह इख्तिताम जो वो भी वक्त पर हो। और कहते भी हैं कि काम जो वक्त पर किया जाता है वही सूदमंद काम होता है और फ़ायदेमंद काम होता है। तो एक बहुत बड़ा लेसन हमें यहाँ से मिलता है पंक्चुअलिटी का लेसन कि ट्रेन जिस तरह से टाइम को डिस्टर्ब नहीं करती, पैसेंजर्स को लेती है और दूसरी जगह पर पहुँचाती है, टाइम पर पहुँचाती है, जिस तरह चीज़ें एक जगह से उठाती है दूसरी जगह पर पहुँचाती है और वो भी टाइम का ख्याल रखते हुए, लाइफ के अंदर जो भी करना है उसमें भी हमने टाइम का ख्याल रखना है। दूसरा लेसन हमें यहाँ पर मिलता है सफरिंग्स ऑफ लाइफ विद करेज। ट्रेन जब मूव कर रही होती है तो उसका रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, कभी वो मैदानी इलाकों से गुजर रही होती है, कभी वो पहाड़ी इलाकों से गुजर रही होती है, कभी वो रेतली इलाकों से गुजर रही होती है। इस सारे सफ़र के दौरान उसे गर्मी का सामना भी करना पड़ता है, उसे सर्दी का सामना भी करना पड़ता है, उसको चढ़ाइयाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात पहाड़ी इलाका आ जाते हैं तो उसको चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है, असेंडिंग भी होती है, फिर डिसेंडिंग भी होती है, चढ़ाई उतरती भी है, यानी उसका रास्ता जो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा नहीं है। इसके बावजूद भी वो लोगों को बड़ी हिफाजत के साथ उनके स्टेशन पे पहुंचाती है और बर वक्त पहुंचाती है। ज़िंदगी के अंदर लाइफ चलते हुए बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, बहुत सारे मौसम चेंज हो सकते हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे एम्बिशंस आपके फेक हो सकते हैं, आपने प्लान किया लेकिन वो प्लान पूरा होने में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हमने सफ़र अपना जारी रखना है। इलाका जिस तरह ट्रेन इस चीज़ की केयर नहीं करती कि मौसम जो है वो किस तरह का है, आगे चढ़ाई है या उतराई है, आगे मैदानी इलाका है या रेतला इलाका है, इसी तरह लाइफ के अंदर जो आपके एम्बिशन हैं, जो आपके प्लान्स हैं, उनको पूरा करते हुए आप लोगों ने किसी चीज़ को खातिर में नहीं लेना, किसी चीज़ को भी परवाह नहीं करनी। अगर हम अब जुटे रहेंगे अपने काम से, डटे रहेंगे अपने मकसद के साथ, तो यकीनी हम ट्रेन की तरह अपने स्टेशन पर मतलूबा टाइम पर पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा और आखिरी जो थीम यहाँ से मिलता है वो है स्टडी वर्क। काम, कहते हैं कि काम करने से, यानी कि मेहनत करने से इंसान कामयाब नहीं होता बल्कि इंसान लगातार मेहनत करने से कामयाब होता है। ट्रेन जब चलती है तो किसी भी तरह की चीज़ से डिस्टर्ब हुए बगैर चलती है, यानी मौसम अगर बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाए तो ट्रेन रुकती नहीं है,
स्टडी वर्क काम मुसलसल जारी रखती है, चढ़ाई आती है तो उससे पहले रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं करती है कि सांस लेने के बाद, बल्कि मुसलसल काम चलता है। इसी तरह रेतले इलाके से गुजरती है, मैदानी इलाके से गुजरती है, तो किसी भी जगह पर रुके बगैर अपना काम मतलूबा टाइम में सर अंजाम देती है। तो इसी तरह ज़िंदगी के अंदर अगर हम भी कामयाबी चाहते हैं तो हमें भी जो हमारा काम होगा वो खाली मेहनत नहीं करनी, बल्कि हमें लगातार मेहनत करनी है, फिर हम ट्रेन की तरह मतलूबा टाइम पे और मतलूबा स्टेशन पर बरवक्त पहुंच सकेंगे। तो ये मेन थीम था, कुछ डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर की। इसी तरह अभी हम इसका टेक्स्ट रीड आउट करेंगे और उसके साथ एग्ज़ाम से रिलेवेंट इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वो भी रीड आउट की जाएगी, और एक्सरसाइज में शामिल जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट। नाइट मेल बाय WH ऑर्डन। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। लाइन नंबर वन, ये नाइट मेल ट्रेन है जो क्या कर रही है, क्रॉसिंग द बॉर्डर, बॉर्डर पार करते हुए, सरहदें पार करते हुए जा रही है। मतलब सरहदें मीन के मैदानी इलाके से गुजर रही है, पहाड़ी इलाके से गुजरती हुई दिखाई देती है, रेतले इलाके से गुजरती हुई दिखाई देती है, एक शहर से गुजरती हुई दिखाई देती है, उसकी बाउंड्री खत्म होती है, दूसरा शहर शुरू हो जाता है, उसमें से गुजरती हुई दिखाई देती है, क्रॉसिंग द बॉर्डर, मुख्तलिफ इलाकों को जाती हुई दिखाई देती है, ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर, लोगों को भी लेके जा रही है और उनके साथ साथ चेक एंड पोस्टल ऑर्डर, लोगों के लिए चेक यानी पैसे वाले जो चेक हैं वो, और पोस्टल ऑर्डर और जो डाक है वो भी लोगों के लिए ले जा रही है, यानी कि लोगों की जो सहूलियात के वाली चीज़ें हैं वो भी लोगों के साथ जो वो ट्रांसफ़र कर रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। और जब ये चीज़ें लेके जाती है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, फ़र्क नहीं करती, ये चीज़ें लेके जा रही है, लेटर फॉर द रिच, लेटर फॉर द पुअर, अमीरों को भी अपने अंदर बिठाए हुए हैं, गरीबों को भी अपने अंदर बिठाए हुए हैं, और साजो सामान अमीरों का भी साथ लेके जा रही है और गरीबों का भी लेके जा रही है। एक और थीम जो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लाइफ के अंदर। जिस तरह हमारे लाइफ के अंदर हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अमीरी का, गरीबी का, काले रंग का, गोरे रंग का, अमीर, ये डिस्क्रिमिनेशन ट्रेन के पास नहीं है। इसी वजह से राइटर ने यहाँ पर इस लाइन के जरिए भी मैसेज दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ़र्क इम्तियाज़ नहीं करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। अमीरों के लिए भी खत लेके जा रही है, गरीबों के लिए भी, शॉप एट द कॉर्नर, नुक्कर वाली जो दुकान है उसके लिए भी लेके जा रही है, द गर्ल नेक्स्ट डोर, और साथ वाले घर में ही जो खातून रहती है उसके लिए भी लेके जा रही है। पुलिंग अ बीटॉक अ स्टडी क्लाइम, बीटॉक पहाड़ का नाम है, बीटॉक की चढ़ाई चढ़ती जाती है, अ स्टडी क्लाइम, और चढ़ते हुए भी इसकी जो रफ्तार है बिल्कुल स्टडी है, बिल्कुल मुतवाजन है, यानी हालात मुखालिफ भी आ जाएँ, चढ़ाई भी आ जाए, मुश्किल टाइम भी आ जाए, फिर भी टाइम पर पहुँचना जाए वो असल चीज़ है मंजिल पर। बी टॉक की चढ़ाई चढ़ती जाती है, स्टडी क्लाइम जो मुसलसल चढ़ाई है, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अब ये चढ़ाई बिल्कुल उसके खिलाफ है, यानी हर ऊपर वाला जो पॉइंट है वो मज़ीद ट्रेन को मुश्किल में डाल रहा है, द ग्रेडियंट्स चढ़ाई अगेंस्ट हर उसके खिलाफ है, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन इसके बावजूद भी वो बर वक्त पहुँचती है, पास काटन ग्रॉस कपास की फसलों के पास से गुजरती है, मूरलैंड बोल्डर और वीरानी और पथरीले इलाकों के पास से गुजरती है, शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर अ शोल्डर, और अपने कंधों पर सफ़ेद धुआं फेंकती हुई चलती जाती है। पहाड़ी इलाका का जिक्र आया, पथरीले इलाका का जिक्र आया, वीरानी इलाके का जिक्र आया, और सब्ज़ी वाले इलाके का भी जिक्र आया कि सबके पास से अपने शोल्डर पर धुआँ फेंकते हुए चलती जाती है। स्नॉर्टिंग नॉइजली एज शी पासिस, स्नॉर्टिंग शोर मचाती हुई जा रही है, यानी उसके एक व्हील के चलने की भी एक ख़ास आवाज़ होती है, स्नॉर्टिंग नाइजली तो बड़ी ख़ास आवाज़ के साथ शोर मचाती हुई जा रही है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रास, और जब ये मूव करती है यानी जब ये जा रही होती है तेज़ी से तो साइडों पर जो घास होती है वो क्या हो जाती है, इसकी हवा की वजह से बेंड हो जाती है, झुक जाती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रास, सैकड़ों मील यानी खामोशी के साथ सफ़र तय करती है और साइडों पे जो घास होती है वो भी हवा की वजह से झुकी होती है, यानी मंजर बयान किया जा रहा है कि ट्रेन जब चलती है तो उसकी सराउंडिंग किस तरह की होती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड एज शी अप्रोचेज, जो ही वो जंगल के पास पहुंचती है, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, तो परिंदे अपना सर मोड़ के देखते हैं, स्टेयर फ्रॉम द बुशेज एट अ ब्लैंक फेस्ड कोचेज, और मुड़के देखते हैं इसके खाली डिब्बों की तरफ, यानी जब ये जा रही होती है तो इसके जो कोचेज़ होते हैं उसके शीशे चढ़े हुए हैं, यानी विंडोज़ उसकी बंद हैं, तो इसी तरह जो परिंदे उसके अंदर परिंदे नोटिस करते हैं इसको गुजरते हुए। शीप डॉग्स कांट टर्न हर कोर्स, और वहाँ पर जंगल के अंदर जो मौजूद है भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना रास्ता चेंज नहीं करते। दे स्लंबर ऑन विद पाज अक्रॉस, दे स्लंबर ऑन विद पाज अक्रॉस, वो सोए रहते हैं उसी तरह अनडिस्टर्ब, यानी उन्हें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती है ट्रेन के आने की वजह से। एंड इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स, और जब यही ट्रेन खेतों के पास से गुजरती है, नो वन वेक्स, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती वहाँ पर फार्म के अंदर मौजूद लोगों को।
बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक, लेकिन एक मोमेंट हमें नज़र आती है कि कमरे के अंदर पड़ा हुआ जग इसकी वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा सा हिलता है। तो इसके साथ ही इसका टेक्स्ट कंप्लीट होता है और जो थीम हमने डिस्कस किए थे जिनके अंदर था कि पंक्चुअलिटी है, उसके बाद सफरिंग्स ऑफ लाइफ विद करेज, स्टडी, वर्क, और एक और थीम जो हमने यहाँ से अटेन किया है वो ये था कि ज़िंदगी के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करनी और ट्रेन की तरह टाइम पे अपना काम शुरू करना है और बर वक्त अपने काम की तकमील भी करनी है। और ये तब पॉसिबल होगा जब हम सारा कुछ करते जाएंगे चीज़ों की और वाकयात की और हादसात की परवाह किए बगैर, यानी जब हमारा फोकस हमारी मंजिल हमारा गोल के ऊपर होगा तो यकीनी कामयाबी जो है वो लाजमी है। इसके बाद मूव करते हैं हम इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की तरफ। लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइट मेल बाई W.H. Auden, W.H. Auden राइटर के नेम और पोएम का नेम नाइट मेल। एंड इन दिस पोएम इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी ऑफ द नाइट मेल। नाइट मेल का एक सफ़र इसके अंदर बयान किया गया। वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, हाउ द ट्रेन पासेस थ्रू फार्म्स, कि किस तरह से गुजरती है खेतों के पास से ट्रेन, ग्रीन फील्ड, सबज खेतों के इलाकों के पास से, एंड बुशेज और झाड़ियों के पास से। इट ब्रिंग्स मेल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सब लोगों के लिए ये चीज़ें लेके जाती है चाहे वो मुआशरे के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हों। एंड इट एमिट स्मोक, धुआं अपने उड़ाते हुए जाती है, एंड मेक्स नॉइज, शोर मचाते हुए जाती है। समटाइम्स इट ट्रेवल्स साइलेंट, और बाज़ औक़ात ये खामोशी से अपना सफ़र जो है वो जारी रखती है। और मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो आज का हमारा इस पोएम का थर्ड और टॉपिक है। द पोएम डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ रेलवे कोच दैट ट्रेवल्स द होल नाइट टू कन्वे द मेल। नाइट मेल का जिक्र किया गया है जो सारी रात मूव करती है ताकि वो लोगों की मतलूबा चीज़ें जो है वो उन तक पहुँचा सके। इट ब्रिंग्स लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड चेक्स फॉर द रिच एंड द पुअर, और कौन कौन सी चीज़ें लेके जाती है, लेटर्स लेके जाती है, चेक्स लेके जाती है, फॉर द रिच एंड पुअर, अमीरों गरीबों के लिए, मेल एंड फीमेल, और बग़ैर किसी इम्तियाज़ के मर्दों औरतों के लिए। एंड सम टाइम इट इज़ इट्स वे स्टीप अपवर्ड, बाज़ औक़ात इसका रास्ता राइडर कहता है कि बड़ा ऊंचाई वाला होता है, यानी इसी ऊंचाई चढ़ना पड़ती है। एंड सम टाइम इट ट्रेवल्स थ्रू प्लेन फील्ड्स, और बाज़ औक़ात ये मैदानी इलाकों के पास से भी गुजरती है। एंड बी लाइक अ ट्रेन, इंसान की लाइफ एक ट्रेन की माने होनी चाहिए। इट गेट्स टू इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, वक्त पर मंजिल पहुँचती है जिस तरह ट्रेन, एंड ऑन टाइम बाई स्टेइंग ऑन द ट्रैक, अपने ट्रैक को नहीं छोड़ती, यानी अपने जिस रास्ते पर चल रही होती है रूट को नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से हमेशा मंजिल पर वक्त पर पहुँचती है। वट एवर द रेलवे ट्रैक इज स्टीप और डिसेंट, इट रीचेज ऑन टाइम। रेलवे ट्रैक चाहे जिस तरह का भी है, चाहे वो ऊंचाई वाला है, चाहे वो उतराई वाला है, चाहे वो गहराई वाला है, हमेशा ट्रेन वक्त पर पहुँचती है। एंड पंक्चुअलिटी इज़ द सोल ऑफ बिजनेस, और काम की असल रूझ होती है वो हमेशा वक्त की पाबंदी होती है। एंड प्रोड्यूसिंग क्लाउड्स ऑफ स्मोक एंड थंडरिंग नॉइज, धुआं फेंकते हुए आवाज़ पैदा करते हुए, इट पासिस बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप, मुख्तलिफ तरह के मनाजर में से होती हुई चली जाती है, ग्रास लैंड, कॉटन फील्ड्स एंड प्लेन्स, मैदानी इलाका, घास वाला इलाका, और साफ सुथरे इलाके और पहाड़ी इलाकों के में से होती हुई अपनी मंजिल पर पहुँचती है। पंक्चुअलिटी इज़ अ वर्च्यू इफ़ यू डोंट माइंड बीइंग लोनली, सबसे बेहतरीन खूबी इंसान की इस दुनिया के अंदर क्या है, वक्त की पाबंदी। द बर्ड स्टेयर एट इट्स ब्लैंक कैरेजेस, जो परिंदे हैं जंगल के अंदर मौजूद, यानी इसका गुजर जब जंगल के पास से होता है तो परिंदे इसको नोटिस करते हैं, अपने सर मोड़ के इसको देखते हैं, इट्स कोचेज इसके डिब्बों को देखते हैं, फ्रॉम देयर नेस्ट, अपने घोंसले में बैठे बैठे, व्हेन इट पासिस बाय देम, जब ये उनके पास से गुजरती है, बट शीप डॉग्स कंटिन्यू देयर स्लीप विदाउट बोदरिंग अबाउट इट, इससे परेशान हुए बगैर जंगल में मौजूद जो जानवर हैं वो अपना सोना अपना काम करना जारी रखते हैं। व्हेन इट पासिस बाय अ फार्म हाउस, और जब ये खेत के पास से गुजरती है, नो वन वेक्स, कोई नहीं जागता, बिकॉज ऑफ इट्स नॉइज ओनली द यूटेंसिल्स शेक, इसकी आवाज़ की वजह से कोई किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती। हाँ, जो बर्तन पड़े हुए हैं, जो अशिया पड़ी हुई हैं, सिर्फ वो मूव करती हैं, हरकत करती हैं। साइलेंट सक्सेस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हाई मोरल वंस, आला इखलाक और आला हिम्मत जो लोग होते हैं उनकी बेहतरीन खूबी होती है कि वो हमेशा अपनी कामयाबी का सफ़र जो है हमेशा अपनी खामोशी के साथ करते हैं। इन शॉर्ट द पोएट सजेस्ट अस अ लेसन, मुख्तसरन राइटर हमें एक लेसन यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, ऑफ पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी का, एंड फेसिंग द सफरिंग ऑफ लाइफ विद करेज, और हमें कहा जाता है कि ज़िंदगी की मुश्किलात को भी आपने सामना करना है किस तरह से, हिम्मत और हौसले के साथ। और अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, और जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ एक्सरसाइज में। वट काइंड ऑफ ट्रेन द नाइट मेल इज, नाइट मेल किस तरह की ट्रेन है। द नाइट मेल इज़ अ ट्रेन दैट ब्रिंग्स चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड लेटर्स,
फॉर द पीपल, लोगों के लिए एक ऐसी ट्रेन है जो लोगों के लिए चेक्स लेके आती है, पोस्ट ऑर्डर लेके आती है, वही सारी टर्म्स हैं जो टैक्स के अंदर जिनका इस्तेमाल किया गया. एंड व्हाट हैपेंस इन द फॉर्म व्हेन द नाइट मेल पासिस बाय, खेतों के अंदर क्या तब्दीली आती है जब ये उनके पास से गुजरती है. When it passes by the farm, जब ये खेतों के पास से गुजरती है, it disturbs no one, किसी को परेशान नहीं करती. Only the jug in the bedroom gently shakes, सिर्फ बेडरूम में पड़ा हुआ जग, यानी यूटेंसिल्स जो पड़े हुए हैं घर के अंदर, सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं. एंड व्हाट डू नाइट मील कोच ब्रिंग फॉर द पीपल, और लोगों के लिए क्या लेके आती है, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो वो ट्रांसफर करती है. नाइट मील इज़ अ ट्रेन दैट ब्रिंग्स चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड लेटर्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए तमाम अशिया लेके जाती है. एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, व्हाट डू शीप डॉग्स डू एट द अराइवल ऑफ द नाइट मील, जब जंगल में पहुंचती है तो जानवर जो वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरह नोटिस करते हैं. द शीप डॉग्स डू नथिंग एट द अराइवल ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन की आमद पर वो कुछ नहीं करते. दे कंटिन्यू टू रेस्ट ऑन देयर पास, और अपने पंजे फैलाए वो सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि हमें डिस्टर्ब नहीं करने वाली. और लास्ट क्वेश्चन है आज का, डज द नाइट मील डिस्टर्ब द लाइफ ऑन फार्म, क्या खेतों पर मौजूद जो जिंदगी है क्या वो डिस्टर्ब होती है नाइट मील से. व्हेन इट पासिस बाय द फार्म, जब ये खेतों के पास से गुजरती है, इट डिस्टर्ब्स नो वन, किसी को परेशान नहीं करती. ओनली द जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स, सिर्फ बेडरूम में पड़े हुए जो आलात हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं वो हिलती हैं. एंड द बर्ड्स एंड शीप डॉग्स डू नथिंग एट द अराइवल ऑफ द ट्रेन, और तमाम परिंदे जो हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब इससे नहीं होते. इस तरह लाइफ के अंदर अपने रास्ते पर चलते हुए, यानी अगर आप अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा एक और गेस लेसन जो थीम हमारा बन सकता है वो यही है कि हमें किसी को डिस्टर्ब किए बगैर अपना कामयाबी का सफ़र जो है वो जारी रखना है, और हिम्मत और हौसले के साथ, ताकि हम अपनी मंजिल पर बरवक्त पहुँच सकें. इसके साथ ही हमारी आज की सेकेंड पॉइंट जो है वो कम्प्लीट होती है, और आज का ये फर्स्ट टॉपिक था. और हमारा ग्रामर पोर्शन एज यूजुअल आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 71 to 75 पेयर ऑफ वर्ड्स, सिलेबस में शामिल पेयर ऑफ वर्ड्स 71 to 75. लेटर सी के लास्ट थ्री पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, लास्ट टू पेयर ऑफ वर्ड्स लेटर सी के हैं, और जो थ्री पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो लेटर डी से हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम 71, कूल खुशगवार, ये ठंडा, अ नाइस कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी खुशगवार हवा जो है वो चल रही है, और कोल्ड नाखुशगवार ठंडा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, यानी वो ठंड जो जिसका वेलकम ना किया जाए, नाखुशगवार ठंड. कस्टम रवाज, मैनी सोशल कस्टम्स नीड अर्ली रिफॉर्म, बहुत सारे जो रवाज हैं उनके अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है. हैबिट आदत, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है. एंड नंबर थ्री, डिजीज़ बीमारी, प्लेग इज़ अ टेरिबल डिजीज़, ताउन एक खौफनाक बीमारी है. डिजीज़ मौत, ही वॉज़ वेरी सैड अपॉन द डिजीज़ ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की डेथ पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस में था. एंड नंबर फोर, डिसाइडेड फैसला शुदा, इट इज़ अ डिसाइडेड मैटर, ये मामला पहले से तय शुदा है, यानी फैसला शुदा है. डिसीसिव फैसला कुन, द बैटल ऑफ पानीपत वाज़ अ डिसीसिव बैटल, पानीपत की जो लड़ाई थी वो एक फैसला कुन लड़ाई थी. और वेरी लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ दिस लेक्चर, डेजर्ट सहरा, मार्को पोलो हैड टू पास थ्रू अ गोबी डेजर्ट, मार्को पोलो जो था वो गोबी डेजर्ट में से गुजरा. और डिजर्ट्स, कैफरे किरदार तक पहुँचाना, बदला, ही गॉट हिज डेजर्ट्स, उसने अपना बदला ले लिया. और डिजर्ट मिठाई, वी वर सर्व्ड एप्पल फॉर डिजर्ट्स, और हमें मिठाई के तौर पर फल पेश किए गए. इसके साथ ही आज का ये हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अभी हमें पूछ सकते हैं, ताकि इसका अभी आंसर दिया जा सके.